आपके साथ अनु और आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज चैनल। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। बुलंदशहर सिकंदराबाद में एंटी करप्शन टीम ने यूपी परिवहन निगम सिकंदराबाद डिपो की कनिष्ठ लेखाधिकारी ईरा मित्तल को 40,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया गिरफ्तार। नौकरी से हटाए गए परिचालक सत्येंद्र की बहाली के नाम पर ले रही थी रिश्वत। एंटी करप्शन टीम के निरीक्षक ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सिकंदराबाद कोतवाली में कराई FIR। पेश है बुलंदशहर से प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। सतेंद्र क्या शिकायत करी थी आपने एंटी करप्शन वालों को? सर रिश्वत की। जी रिश्वत की, रिश्वत की शिकायत करी है। कौन थी, कौन किसे शिकायत करी थी, कौन किसकी शिकायत करी थी, किस अधिकारी की करी थी? हमारे डिपो की वरिष्ठ स्टेशन कनिष्ठ स्टेशन प्रभारी ईरा मित्तल जी। कितने पैसे की डिमांड करी थी आपसे? अच्छा, तो 40,000 रुपए आपने किस तरीके से दिए हैं, क्या दिया है कुछ बताएंगे? हाँ दिए हैं। अच्छा, तो किन्होंने पकड़ा है? मैडम ने अपने हाथों से पकड़ा है। अच्छा, अपने तो आपने पास अपने ड्रॉ में रखा है उन्हें। अच्छा, कब से काम करते हैं आप? मुझे सन 2016 से। अच्छा, कौन से डिपो में? सिकंदराबाद। तो एंटी करप्शन वालों ने पकड़ लिया उन्हें जी। क्या कार्रवाई कर रहे हैं अब? आगे कार्रवाई हो जाने, क्या कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं। क्या डिमांड की गई थी आपसे? मुझे 40,000 रुपये दे दो, मुझे ड्यूटी पर ले लेंगे। अच्छा, किस वजह से सस्पेंड हुए थे आप? कुछ नहीं, मशीन में टेक्निकल प्रॉब्लम थी उसकी वजह सस्पेंड नहीं करा, रूट ऑफ कर दिया था मेरा मौखिक। कब हुए थे? 29 जून को।